जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने जा रही हूँ 10 तारीख शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि पर कैसे करें माता काली की पूजा, जिससे आपके हर काम माता काली करने लगे। जी हाँ भक्तों, ये वीडियो उन भक्तों के लिए है जो काफ़ी समय से माँ काली से मनोकामना मांग रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही है। मनोकामना के साथ साथ माता के पास अर्जी भी लगाते हैं, अरदास भी लगाते हैं, हर एक उनकी इच्छा होती है, लेकिन माँ काली या कोई भी देवी देवता उनकी इच्छाएं सुन नहीं रहे हैं। काफ़ी समय से वो मांग रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने गुप्त नवरात्रि के दिन 10 तारीख को माँ काली को अपनी पूजा में जिस व्यक्ति ने अपने हर काम कराने माता काली से, तो उस व्यक्ति को गुप्त नवरात्रि पर माँ काली की इस तरीके से पूजा करनी है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अगर आप इस तरह से माता काली की गुप्त नवरात्रि में पूजा करेंगे तो माता काली आपके अनेक कार्य सिद्ध करेगी। समझ रहे हैं आप, जो भी कार्य आप कहेंगे माँ काली से हाथ जोड़कर, अगर आप कोई भी मनोकामना मांगेंगे तो वो चुटकियों में आपकी पूरी होने लगे करेगी, क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और इस चीज़ के बारे में हर किसी को पता भी नहीं होता। ये सिर्फ उनको ही पता होता है जो भक्ति पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा रहते हैं, उनको पता होता है कि गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं और चेत नवरात्रे, सर्दी नवरात्रे क्या होते हैं। बाकी जो पूजा पाठ में नहीं रहते उन व्यक्तियों को तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो इसी समय आपको उठाना है पूरा फ़ायदा किस चीज़ का। अगर आप चाहते हैं कि माँ काली आपके एक कहने से आपके हर काम करे, जो भी मनोकामना आप माता से मांगे वो ही पूरी करे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस गुप्त नवरात्रि पर माँ काली की इस तरह से पूजा करनी है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही बताऊँगी, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। तो गुप्त नवरात्रि पे आपको माँ काली या अन्य देवियों की पूजा कैसे करनी है। 10 फरवरी से माता का गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, ठीक है। पहले दिन ही आपको सुबह उठकर जल्दी स्नान करके माता की छोटी सी चौकी अपने घर में कहीं भी लगा लें। जब अगर आप चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो अपने मंदिर को भी चौकी समझ के वहीं पूजा कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है। अगर आप चाहते हैं चौकी लगाना तो लगा सकते हैं, अगर घर के मंदिर में ही पूजा पाठ करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जितना भी सामान होता है पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है नवरात्रों में, वही सामान आपको एक दिन पहले रात को ला के रख लेना है। सीधा सुबह स्नान करके माता की चौकी सजा के अपने, या फिर अपने घर के मंदिर में करोगे तो मंदिर को अपने थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेना, सजा लेना अच्छे से। कलश के ऊपर सबसे पहले माता की स्थापना करना, ठीक है, वो भी किससे, पानी वाले नारियल से। जैसे जैसे हम नवरात्रों में करते हैं सेम वही चीज़ इसमें की जाती है। उसकी स्थापना करने के बाद सबसे पहले पूरे घर में अपने गंगा जल की छींटे मारे। जब कलश स्थापना करेंगे तो कलश के पानी में आपको एक रूपा और एक साबुत सुपारी जरूर डालनी है अपने कार्य कराने के लिए। जब हमें माता काली से या किसी भी से कार्य कराना होता है तो हमें ये चीज़ कार्य पहले करना होता है। तो कलश के पानी के अंदर ये एक रूपा और एक साबुत सुपारी उसके अंदर जरूर डाल लेना, फिर स्थापना करना उसकी। करने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल की छींटे मार के माता की जोत जलाना, सरसों के तेल की। जो जलाने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती लगा देना जो आप लगाते हैं पहले से, फिर उसके बाद कपूर जला के माता काली को लौंग बतासे का भोग देना, ठीक है। माँ काली को ही नहीं देना, 9 देवियों का भोग आपको देना होगा, यानी कि 9 बतासे 18 लौंग, 9 देवियों का भोग लगा जाता है नवरात्रों के समय, क्योंकि 9 देवियों के रूप जो है वो अनेक हैं और जो 9 देवी है वो तो 9 ही मानी जाएगी, रूप तो बहुत उनके अलग अलग है। तो 9 देवियों के नाम से 9 बतासे 18 लोग कपूर के ऊपर माता काली को जरूर चढ़ाएं, ठीक है। ये चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, 9 आपको हरी इलायची लेनी है और थोड़ी सी आपको मिश्री लेनी है, ये भी आपको लोग बतासे के ऊपर ही माँ 9 देवियों का नाम लेके चढ़ा दें।
फिर शाम का समय आएगा, शाम के समय आपका पूरा दिन तो व्रत ही रहेगा। शाम को आपको क्या करना है, जोत जला के डायरेक्ट माता की धूपबत्ती लगा के कंडे की छोटी सी अग्यारी कर कर अपने घर में माता को कंडे की अग्यारी पर शाम का भोग आप जरूर देना। जैसे आप जो भी बनाएंगे अपने खाने के लिए, जैसे कि कुट्टू के आटे की रोटी, आलू की सब्जी या फिर खिचड़ी समा के चावल की, जो भी बनाएंगे वो माता को चढ़ा के आप उसका भोजन करके अपना व्रत खोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पूजा करनी है और कंडे की अग्यारी पर माता काली को सूखे गोले की भेंट, नींबू, जायफल, पान, सुपारी, ये चीज़ें आप जरूर चढ़ा देना 9 दिन तक लगातार। इस तरह से आप पूजा करके देख लो, माँ काली आपके हर काम ना करे तो जो आपको मुझे कहना हो वो कह देना। चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, माँ काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें, खुश रहे आप और आप लोगों का परिवार।